बाद फारूक खबीब और सदाकत अब्बासी भी सामने आने वाले हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वादा का दावा, कहते हैं उस्मान डार ने जो नाम लिए 100% दुरुस्त हैं। उन्हें एहसास था मगर शुरू में हिम्मत नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई के अपने ही साथी उन्हें ले डूबे, बंदूक से गोली खान साहब ने चलाई थी। धरने का मकसद आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश थी, यही काम उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए भी किया। और मेरे ख्याल से शुरू में हिम्मत नहीं आई, अच्छा है कि एहसास हो गया, एक सच्ची बात सामने आ गई है और जो एक भयानक काम 9 मई को हुआ, बहुत अच्छा एक काम है कि लोग अपनी तस्लीम करें गलती को। फारूक खबीब भी आपको नजर आएंगे बहुत जल्द, ये रियलाइजेशन के साथ सदाकत अब्बासी भी आएंगे, दीगर भी आएंगे, जिन बूथ और मौकल जो है जो आप कुछ नहीं कर पा रहे, इसका भी पुराना जिन उनको गुस्से में बंद करके ठिकाने लगाने वाला है, तो अपने पुराने जीनी उनको ले डूबने वाले हैं। बहुत जल्द उसको फर्क पड़ना चाहिए कि हम 9 मई जैसा काम कर बैठे और दिन को बंदूक से खान साहब ने चलाई और इसी चीज़ हम रोक रहे थे, ना जरूरत थी धरने के पीछे, सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी साहब आसिम मुनीर साहब को रोकने की कोशिश थी। अशरफ शरीफ का कत्ल, जो बच्ची गाड़ी के नीचे आके रिपोर्टर मारी गई और बच्चे मासूम मारे गए, उससे हम जमहूरियत की क्या खिदमत कर रहे थे। और यही काम चीफ जस्टिस साहब के साथ भी हुआ, डिवाइन है, अल्लाह ने उनको मनसब पे लाना था। दो हीरोज हैं हमारे आज चीफ सिपा सलार जो हैं वो और चीफ जस्टिस साहब, वो कौम को मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। उस्मान डार ने अच्छा शहरी होने का सबूत दिया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान कहते हैं किचन कैबिनेट ने जो हकायक बताए वो पूरी कौम ने सुने। किचन कैबिनेट ने कहा चेयरमैन पीटीआई ने अहम तंसीबात पर हमले की तैयारी, पाक फौज अदालत और इदारों के खिलाफ नौजवानों की जहन साजी की। उस्मान डार साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि राय दुरुस्त आए। उन्होंने मुल्क के साथ, रियासत के साथ, अपने माशरे के साथ वफादारी का और पाकिस्तान के साथ वफादारी का सबूत दिया। उन अफराद के लिए जो सोशल मीडिया के जरिए से जो बाहर बैठे हुए लोग उनका जहन प्रागेंदा कर रहे हैं, वो कम अज कम उनको समझने में आसानी होगी कि अब उनकी किचन कैबिनेट के बंदे ने भी जो है उसकी गवाही दे दी। उस्मान डार साहब और उनकी फैमिली, खसूसा उस्मान डार साहब वाहिद बंदे थे कि जो उस पूरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के रबते में थे और उनको जो खास इंस्ट्रक्शन मिलती थी, उन्होंने कल जो इंकशाफात किए पूरी कौम ने सुन ली है। तहरीक इंसाफ ने प्री प्लान एट फौजी तनसीबात के ऊपर अपनी गिरफ्तारी की सूरत में हमला करने की पूरी प्लानिंग की हुई थी, फौज के खिलाफ, अदालतों और अदारों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए अपने वर्कर्स की जहनी आबियारी की मुसलसल।